नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। 14 सितंबर हिंदी दिवस था और उस दिन एक विवाद सिर्फ विवाद ही नहीं रहा, भोजपुरी इंडस्ट्री तक भी वह विवाद पहुंच गई है। जी हाँ, बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भोजपुरी और साथ ही मगही भाषा को अभद्र भाषा करार दिया है और कहा कि जब झारखंड और बिहार में आंदोलन चल रहा था उस वक्त बिहार के लोगों ने भोजपुरी भाषा में यहाँ की महिलाओं को गालियाँ दी थी। अब इस बात के बाद हिट मशीन खेसारी लाल यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और बताया कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा इस कदर किसी भाषा के खिलाफ कहें तो द्वेष सही नहीं है। हिट मशीन ने कहा कि हम भोजपुरी हमारी माँ है, भोजपुरी में हम पलते हैं बढ़ते हैं और भोजपुरी सम्मानजनक भाषा है जिसने इतना पहचान दिया है हर जगह। भले ही मैं कई भाषाओं में कह लूँ तो खबई पिक्चरें कर लेता हूँ, गाने गा लेता हूँ, लेकिन भोजपुरी से बहुत ही मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने कहा कि न ही मेरे लिए बिहार अलग है और न ही मेरे लिए झारखंड अलग है। चाहे किसी भी राज्यों में क्यों न चला जाऊँ, मैं वहाँ हर राज्यों के लोगों को सम्मान करता हूँ, वहाँ की भाषाओं को सम्मान करता हूँ। इलाके हैं, जो क्षेत्र हैं वहाँ भी इस तरह की भाषाओं को लेकर काफ़ी गहमा गहमी गर्म हो गई है। तो इसी मुद्दे पर हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी ने भी अपना बयान रखा और कहा कि किसी भी भाषा के तौर पर या फिर किसी वैसे कलाकार के तौर पर अगर आप किसी भोजपुरी को या फिर किसी भी भाषा को अगर किसी हेमंत सोरेन या फिर किसी मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरह से टिप्पणी किया जाए तो वह सही नहीं है। हेमंत सोरेन को जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और कहनी चाहिए कि हर भाषा एक समान है, बराबर है, क्योंकि हर भाषाओं का अपना अपना महत्व है, अपना अपना सम्मान है और इंसान को नहीं चाहिए कि किसी भी भाषा को गलत कहे। बिहार है वैसा ही मेरे लिए झारखंड भी है और मैं झारखंड के लोगों का भी सम्मान करता हूँ।